हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर को डिटेल में देखेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि सीरियल इन सीरियल आउट जो शिफ्ट रजिस्टर होता है उसमें दो टाइप की शिफ्टिंग होती है, एक राइट शिफ्ट होता है एक लेफ्ट शिफ्ट होता है। तो इस वीडियो में हम राइट शिफ्ट देखने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लेफ्ट शिफ्ट देखेंगे, ठीक है। तो एक बात फिर से आप ब्लॉक डायग्राम याद करो, जो ब्लॉक डायग्राम था 4 बिट का, उसमें इधर से आप इनपुट देते थे, इधर से आपको आउटपुट मिलता था, ये शिफ्ट राइट हो रहा है, ठीक है। तो आपको इनपुट एक ही होता था, आउटपुट के लिए एक होता था, एंड जो इंटरनल जो फ्लिप फ्लॉप होते थे उसके एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट का काम कर रहा है। मतलब इसका आउटपुट इसमें इनपुट जा रहा है, इसका आउटपुट इसके इनपुट जा रहा है, इसका आउटपुट इसके में इनपुट जा रहा है, एंड इसका आउटपुट एज ए आउटपुट काम कर रहा है, एंड इस वाले फ्लिप फ्लॉप का इनपुट एज ए इनपुट काम कर रहा है, ठीक है। ये फ्लिप फ्लॉप में था ब्लॉक डायग्राम में, इस बात को ध्यान में रखें। दूसरी बात कि आपको यहाँ पर 4 बिट का रजिस्टर लेना है, 4 बिट का सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट राइट रजिस्टर लेना है, इट मीन्स 4 फ्लिप फ्लॉप होंगे। दूसरी, इनपुट आपको एक ही फ्लिप फ्लॉप पे देना है, इस वाले पे, एंड आउटपुट आपको क्या मिलेगा दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप पे, जो सबसे लास्ट में ये जो LSB होगा वहां से मिलेगा, एंड आपको क्या देना होगा MSB वाले फ्लिप फ्लॉप पे आपको इनपुट देना होगा, एंड इनपुट विल बी शिफ्टेड राइट। आपको एक फ्लिप फ्लॉप पे आपको इनपुट देना होगा, एंड वो जो इनपुट होगा दूसरे फ्लिप फ्लॉप पे शिफ्ट होते जाएगा राइट साइड में। उसी ब्लॉक डायग्राम को हमने यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप वाले में एक्सप्लेन किया है। ये हमारा 4 फ्लिप फ्लॉप है, ये MSB फ्लिप फ्लॉप हुआ हमारा, ये LSB हुआ। MSB इन द सेंस कि जो हमारा डेटा होगा, डेटा 1100, ठीक है, जो हमारा डेटा है उसको अगर हमें स्टोर करना है तो ये हमारा MSB डेटा कहलाता है, MSB बिट, एंड ये हमारा LSB कहलाता है। तो ये 1 इस वाले फ्लिप फ्लॉप में स्टोर होगा, ये 0 इस वाले फ्लिप फ्लॉप में होगा, बाकी जो बीच में, ठीक है। तो देखो ये जो फ्लिप फ्लॉप यहां से हम इनपुट दे रहे हैं, यहां से हमें आउटपुट मिल रहा है, इस वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए एज ए इनपुट काम कर रहा है, ठीक है। एंड इसका जो आउटपुट है ये Q2 एज ए इनपुट काम कर रहा है D1 के लिए, D1 का आउटपुट जो है Q1 वो एज ए इनपुट काम कर रहा है D0 के लिए, एंड D0 का जो आउटपुट है Q0 वो हमारा आउटपुट है मेनली, जो ओवरऑल रजिस्टर का जो आउटपुट है। इट मीन्स हम यहां से इनपुट प्रोवाइड करेंगे, एंड वो इनपुट शिफ्ट होते जाएगा, पहले यहां से यहां पे जाएगा, यहां से यहां, एंड देन हमें आउटपुट मिलेगा। ये हमने क्लॉक लगा दिया, एंड ये हमारा क्लियर है, ठीक है, क्लियर पिन और ये क्लॉक पिन। ऑल फ्लिप फ्लॉप वर्क एट द सेम टाइम, ऑब्वियस बात है सारे फ्लिप फ्लॉप एक साथ काम करेंगे, क्योंकि सब क्या है कि सारे एक ही क्लॉक से जुड़े हुए हैं, ठीक है, एंड सबको एक ही टाइम पे क्लॉक मिलेगा। तो जैसे हम यहां पर देखो, हम ये जो हमारा डेटा है 1100, हमें कहां से इनपुट प्रोवाइड करना है, मतलब सबसे पहले कौन सा बिट प्रोवाइड करेंगे, 1 MSB बिट प्रोवाइड करें या LSB, क्योंकि ये वाला बिट हमें यहां पर पहुंचाना है, हमें इनपुट यहां से देना है। तो ऑब्वियस बात है जब हम 1100 है, जब हम इधर से यहां से जब पहले इसको प्रोवाइड करेंगे 0, ये 0 शिफ्ट होते तो यहां पर पहुंच जाएगा, फिर ये 0 यहां शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये 1 यहां पे, एंड ये 1 यहां पे। इट मीन सबसे पहले हमें क्या प्रोवाइड करना है, LSB, यहां से इनपुट प्रोवाइड करना है। तो यहां पर हमने क्या किया, 0 प्रोवाइड किया, सबसे पहले तो हमने क्या किया, क्लियर कर दिया सब पे 0 0 है, यहां पर हमने 0 प्रोवाइड किया, सबके अभी आउटपुट 0 0 है। जैसे हमने क्लॉक दिया, ये जो इनपुट D3 पे इनपुट आई, ये क्या हो जाएगा 0 एज ए आउटपुट इसके लिए हो जाएगा। ये जो D3 है यहां पर हमने 0 दिया, अभी ये कहां आ जाएगा आउटपुट, यहां पे Q2 पे, इसका जो आउटपुट जो पहले से था 0 0 0 वो तो सब उसी तरह है। फिर हमने क्या किया, फिर एक और 0 नेक्स्ट बिट दिया, 0 0 यहां पर दिया, एंड ये 0 दिया, एंड जैसे हमने क्या किया, ये जो 0 था ये जो इनपुट अब इसके लिए काम करेगा। इट मीन्स पहला जब हमने क्लॉक दिया था तो इसके लिए हमने इनपुट नहीं दिया, इसको भी इनपुट नहीं दिया, केवल हमने इसको इनपुट दिया था, एंड जब क्लॉक प्रोवाइड किया था तो इसका इनपुट एज ए आउटपुट हमें 0 मिला था। लेकिन जब हम सेकेंड क्लॉक प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका जो आउटपुट है 0 वो एज ए काम करेगा इनपुट D2 के लिए। तो अभी जब हम सेकेंड क्लॉक जब प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास D2 के पास भी हमारे पास इनपुट है, वो क्या है 0, एंड D3 पे तो हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे हम सेकेंड क्लॉक प्रोवाइड किया, ये 0 क्या हो जाएगा, यहां पे आउटपुट हमें मिल जाएगा, एंड इसके पास भी इनपुट है 0, ये हमें आउटपुट यहां पर मिल जाएगा। इनके पास अभी आउटपुट तो वो 0 मेंटेन रहेगा, जो पहले वाला क्लियर के वजह से जो 0 है। फिर हमें प्रोवाइड करना है 1,
वन प्रोवाइड किया, तो ये जो आउटपुट जो यहां पर था वो आ जाएगा इसके पास, एंड ये जो आउटपुट यहां पर था वो आ जाएगा एज ए इनपुट इसके पास। अब हमें थ्री थर्ड क्लॉक प्रोवाइड करना है, वन दिया, वन इनपुट दिया एंड थर्ड क्लॉक प्रोवाइड किया, तो ये वन आ जाएगा एज ए आउटपुट यहां पे, एंड ये डी टू के लिए जो सेकंड जीरो जो था वो एज ए आउटपुट हो जाएगा यहां पे, एंड डी वन के लिए जो यहां पर इनपुट था वो एज ए आउटपुट आ जाएगा यहां पे, ठीक है। अब जब हम फोर्थ क्लॉक प्रोवाइड करेंगे एंड यहां पे इनपुट देंगे वन, यहां पे इनपुट दिया वन, ये जो वन जो अभी क्लॉक प्रोवाइड नहीं किया, अभी हमने इनपुट दिया है, तो इसका जो आउटपुट है ये जो इनपुट इसके लिए हो जाएगा वन, इसका जो आउटपुट है जीरो इसके लिए इनपुट हो जाएगा जीरो, एंड इसका जो आउटपुट है जीरो इसके लिए इनपुट हो जाएगा जीरो। अब हम क्या कर रहे हैं, इनपुट दिए हैं सब पे इनपुट है, अब हम क्लॉक देंगे, क्लॉक जैसे देंगे हमारा क्या होगा इनपुट आउटपुट पर ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा हमारा आउटपुट वन, ये वाला जो इनपुट था वन ये आ जाएगा आउटपुट वन, ये वाला जो जीरो था इसके लिए आउटपुट आ जाएगा जीरो, एंड ये वाला जीरो था उसके लिए आउटपुट आ जाएगा जीरो। तो देखो लास्ट Q3 पे आउटपुट क्या है वन, तो मैं इसके में दिखा रहा हूं यहां पे लिख के कि Q3 पे क्या स्टोर है जीरो, वो सॉरी वन, D2 का Q2 का लास्ट आउटपुट क्या है वन वन, Q1 का लास्ट आउटपुट क्या है जीरो, एंड Q0 का लास्ट आउटपुट क्या है जीरो। इट मीन्स हमारा डेटा स्टोर हो चुका है इस वाले फ्लिप फ्लॉप में वन, इस वाले फ्लिप फ्लॉप में वन, जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो जो हमारा डेटा था वो हमारा स्टोर हो चुका है। अब हम देखते हैं इसका ऑपरेशन टेबल कैसे काम करता है। यह है ऑपरेशन टेबल, ऑपरेशन टेबल में हमें क्या दिखाना होता है कि वो जो हमारा फ्लिप फ्लॉप था सीरियल इन सीरियल आउट वो कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो इनिशियली हमने जब क्लियर इनपुट जब प्रोवाइड किया तो सब पे सबके पास आउटपुट क्या था जीरो 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 जीरो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डेटा को इनपुट करना है, तो हमारा डेटा क्या 1100, हमें पता है कि हम LSB साइड से इनपुट देंगे क्योंकि ये शिफ्ट राइट साइड रजिस्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले इनपुट देंगे जीरो, तो फर्स्ट क्लॉक प्रोवाइड किया इनपुट दिया जीरो, जैसे हम इनपुट देंगे जीरो तो ये इनपुट इनपुट दिया एंड क्लॉक प्रोवाइड किया, तो ये इनपुट क्या होगा, जैसे देखो यहां पर हमने इनपुट दिया था एंड क्लॉक प्रोवाइड किया था, जैसे इनपुट दिया क्लॉक प्रोवाइड किया तो ये इनपुट क्या आ जाएगा यहां पर आउटपुट मिलेगा हमें Q3 पे। वही जैसे हमने इनपुट दिया जीरो एंड क्लॉक प्रोवाइड किया तो ये इनपुट क्या आ जाएगा एज ए Q3 पे आ जाएगा, एंड एक एक बिट शिफ्ट होते जाएगा, ये किस पर आ जाएगा Q2 पे, ये किस पे आ जाएगा Q1 पे, ये किस पे आ जाएगा Q0 पे। फिर सेकंड क्लॉक देंगे उसके पहले हमें क्या करना होगा, सेकंड बिट प्रोवाइड करना होगा, सेकंड बिट क्या है जीरो, सेकंड बिट प्रोवाइड किया एंड सेकंड क्लॉक जैसे प्रोवाइड किया तो ये हमारा आ जाएगा Q3 पे, ये जो आउटपुट था ये हमारा आ जाएगा Q2 पे, ये जो आउटपुट था ये हमारा आ जाएगा Q1 पे, एंड ये जो हमारा आउटपुट था ये आ जाएगा Q0 पे। अब हमें क्या करना है, थर्ड बिट प्रोवाइड करना है एंड थर्ड क्लॉक, थर्ड बिट प्रोवाइड एंड थर्ड क्लॉक दिया तो ये जो हमारा डेटा है वो आ जाएगा Q3 पे, ये जो आउटपुट जो इसका जो आउटपुट था Q3 का आउटपुट Q2 पे आ जाएगा, एंड Q3 Q2 का जो आउटपुट एज ए इनपुट काम करेगा Q1 के लिए, एंड उसका आउटपुट हो जाएगा वैसे ही एक शिफ्टिंग हो जाएगा फोर्थ क्लॉक पे, हमें क्या करना है लास्ट बिट वन, एंड यहां पर आ जाएगा वन, ये शिफ्ट होकर वन, ये शिफ्ट होकर जीरो, एंड ये शिफ्ट होकर जीरो। लास्ट हमने डेटा प्रोवाइड कर दिया एंड हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है उसमें डेटा हमारा स्टोर हो चुका है, एंड वो डेटा क्या है 1100, ठीक है। टोटल हमें कितना क्लॉक लगा इनपुट के लिए, चार क्लॉक 1 2 3 4, फोर क्लॉक फोर इनपुट, ठीक है। अब देखो अब हमें क्या करना है, डेटा उससे आउटपुट लेना है, ठीक है, डेटा आउटपुट लेना है, तो इनिशियल कंडीशन हमारा क्या होगा 1100, क्योंकि हमने क्या किया डेटा स्टोर कर दिया, ये जो टेबल जो हमने बनाया ये वाला टेबल, वही ऑपरेशन जो मैंने अभी यहां पर बताया था वही ऑपरेशन की हेल्प से हमने बनाया कि कैसे शिफ्टिंग होगा, फर्स्ट क्लॉक दिया जीरो, फर्स्ट क्लॉक दिया तो जीरो यहां पर आ जाएगा, एंड इसका जो पहले से आउटपुट जो क्लियर की वजह से जो जीरो था वो यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर आगे शिफ्ट हो जाएगा। फिर सेकंड क्लॉक दिया, फिर इसका जो आउटपुट था यहां पर, इसका जो इनपुट था यहां पर आउटपुट आ जाएगा, एंड इसका जो पहले से आउटपुट था वो उसके लिए इनपुट का काम करेगा, वही होता है, ये हो गया। अब हमारा आउटपुट लेना है, तो आउटपुट लेने के लिए हमारा इनिशियल कंडीशन ये है, हमारे फ्लिप फ्लॉप पे ये हमारा डेटा स्टोर हो चुका है एंड अब हमें आउटपुट लेना है। तो ये देखो आउटपुट के लिए ये वाला बिट जो LSB बिट है वो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है ही Q0 पे, तो
फर्स्ट बिट फर्स्ट मतलब एलएसबी बिट लेने के लिए हमें कोई क्लॉक प्रोवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, वो तो हम ऐसे ही ले सकते हैं। तो आउटपुट, तो ये बिट हमें मिल गया यहाँ पे जीरो, यहाँ पे मैं इसको ये आउटपुट मिल गया, फिफ्थ क्लॉक प्रोवाइड किया। अब इनपुट में हम क्या प्रोवाइड करें, इनपुट में आप कुछ भी प्रोवाइड करो या ना करो या जीरो प्रोवाइड करो, ये दिखाने के लिए ताकि पता चले हमारा डेटा क्या हो, क्लियर हो, फ्लिप फ्लॉप क्या हो रहा, क्लियर हो रहा है। जीरो हमने प्रोवाइड किया तो यहाँ पर आ जाएगा जीरो, ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा वन एंड यहाँ पर आ जाएगा जीरो, ठीक है। तो ये क्यू नॉट पे एक और जीरो आया, ये आउटपुट ऑलरेडी अवेलेबल है, इसको हम ले सकते हैं। फिर सिक्स क्लॉक प्रोवाइड किया हमने, इनपुट एज ए जीरो प्रोवाइड किया, ये जीरो आ जाएगा यहाँ पे, ये जीरो अब यहाँ पे आ जाएगा, ये वन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये वन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे हमें क्यू नॉट पे वन आ चुका है, वन को हम ले सकते हैं, आउटपुट मिल गया हमें सेवन। फिर जीरो प्रोवाइड किया, जीरो ये जीरो एंड ये शिफ्ट हो जाएगा जीरो एंड ये वन शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे एंड हमें वन आउटपुट मिल गया। तो ये हमारा आउटपुट मिल गया, ये हमारा एल एस बी बीट है एंड ये हमारा एम एस बी बीट है, ठीक है, समझ में। जो जैसे हमने डेटा को स्टोर किया, एल एस बी बिट जो जीरो है वो तो ऑलरेडी हमें अवेलेबल है ही आउटपुट पे, इसे लेने के लिए हमें कोई क्लॉक की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए हम पहले ही एक बिट ले लिए, ठीक है, बिना क्लॉक प्रोवाइड किए हुए। जैसे एक और क्लॉक प्रोवाइड किया तो इस वाले फ्लिप फ्लॉप पे जो जीरो था वो हमें आउटपुट मिल गया, हमें एक और दूसरा आउटपुट मिल गया, दूसरा बिट। फिर वैसे ही तो हमें टोटल कितने क्लॉक की रिक्वायरमेंट पड़ी आउटपुट के लिए, थ्री क्लॉक फॉर आउटपुट ऑपरेशन, ठीक है, फोर क्लॉक फॉर इनपुट, थ्री क्लॉक फॉर आउटपुट। तो टोटल टोटल कितने रिक्वायरमेंट पड़ी, सेवन क्लॉक फॉर फोर बिट। अब देखो फोर बिट के लिए हमें सेवन क्लॉक चाहिए, इट मींस मतलब सेवन क्लॉक किसके लिए, ओवरऑल ऑपरेशन, ओवरऑल ऑपरेशन मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों परफॉर्म करने के लिए हमें टोटल कितने क्लॉक चाहिए, सेवन। अगर मैं पूछूं कि एन बिट, अगर क्लॉक एन बिट रजिस्टर है, सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर है, तो उसको परफॉर्म करने के लिए कितने क्लॉक चाहिए, तो इसको चाहिए एन माइनस वन, टू एन माइनस वन, टू एन माइनस वन टोटल क्लॉक रिक्वायर्ड फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन, ठीक है, 2n माइनस वन क्लॉक चाहिए। जैसे अभी यहां पर 2n माइनस वन मैं क्लॉक बोल रहा हूं, अगर n की जगह 4 बिट लो, जैसे यहां पर 4 बिट था तो 2 माइनस टू इंटू फोर माइनस वन इक्वल टू सेवन। अगर मैं 8 बिट बोलूं तो 2 इंटू एट माइनस वन 16 15 15 क्लॉक। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि 4 बिट का ऐसा ये सीरियल इन सीरियल आउटपुट रजिस्टर है एंड उसको परफॉर्म करने के लिए, टोटल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें कितने क्लॉक की रिक्वायरमेंट है। तो ये फॉर्मूला है 2n माइनस 1 टोटल क्लॉक की रिक्वायरमेंट होती है हमें, ये फॉर 4 बिट, ये फॉर 8 बिट, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया एंड सीरियल इन सीरियल आउटपुट रजिस्टर होता क्या, कैसे ये शिफ्टिंग परफॉर्म करता है, तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।